हमारी सरकार बनने के बाद से दूसरे घंटे से ही सरकार को लोग गिरा रहे हैं, और यही राज्य है जहां रिकॉर्ड समय में जेपीएससी का एग्जाम का रिजल्ट निकालकर आज झारखंड के नौजवानों को यहां बीडीओ सीओ और कलेक्टर बना करके अलग अलग जिलों में राज्य के सेवा में लगाने का हजारों नियुक्तियां दी, लगभग 50,000 से अधिक निजी क्षेत्र में और 10,000 से अधिक सरकारी नौकरी हम लोगों ने दे दिया। जो यहां पर हमेशा क्वेश्चन पेपर लीक होता था, लोग कोर्ट कचहरी करते रहते थे, चोरी चकारी करते थे नौकरियों में, उन सब पे काबू पाने के लिए हम लोगों ने पेपर लीक कानून को रोकने के लिए कानून राशन कार्ड 20 लाख अतिरिक्त राज्य में गरीबों को बांटने का काम किया। 60 लाख से अधिक धोती साड़ी लुंगी लोगों को दिया जा रहा है। सभी को जोहार। आज के इस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हमारे साथ उपस्थित यहां झारखंड राज्य के राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्ण जी, यहां उपस्थित हम सब के अभिभावक, अलग राज्य के निर्माता आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी, यहां उपस्थित हमारे सहयोगी मंत्री आदरणीय आलमगीर साहब, यहां उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी, यहां उपस्थित सांसद महुआ मांझी जी, उपस्थित समन्वय समिति के अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी, उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन कुलकर्णी जी, डीजीपी साहब, उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित कई हमारे विधायक साथी, मंत्री पूर्व विधायकगण, विधायकगण, सांसदगण, पूर्व सांसदगण, और विशेषकर यहाँ उपस्थित आप सभी नौजवान साथी, मीडियाकर्मी, आप सबको इस स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए पुनः आप सबको जोहार करता हूँ। आप सबको मालूम है और झारखंड के साथ साथ अब पूरे देश को मालूम हो चुका है कि आज का दिन कितना महत्व है। आज भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती दिवस भी है और आज ही के दिन हमारा ये नया राज बना, और इस राज को लेने के लिए, इस राज को बनाने के लिए अनगिनत लोगों की शहादत राज को पाने के लिए हुई, और आज ये राज एक वीरों के राज के रूप में भी जाना जाता है, और आज इस राज में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी पहुंचे और भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म स्थल को और उनके वहां मूर्ति पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, और आज एक जनजातीय गौरव दिवस का उन्होंने भी एक आगाज किया है।
आज संयोग से ये कार्यक्रम हम लोगों का विलंब से होने का वजह भी वो एक था कि प्रधानमंत्री जी आज हमारे राज्य में थे और इस वजह से थोड़ा आज हमारा ये कार्यक्रम विलंब से शुरू हुआ। हम सब जानते हैं झारखंड एक पिछड़े राज्यों में गिनती में लगभग पहले पायदान पर है, आदिवासी बहुल राज्य भी है और इस राज्य में पिछड़ापन सिर्फ गरीबी का ही नहीं है बल्कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी तरीके के पिछड़ापन इस राज्य में आपको मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ हमारे इस राज्य के जो जनता है, यहां राज्य में जो रहने वाले मूलवासी आदिवासी हैं वही पिछड़े हैं, लेकिन यहां की प्राकृतिक व्यवस्था में कोई पिछड़ापन नहीं है। आज हमारे इस झारखंड की धरती में पूरे देश का 42% खनिज संपदा हमारे राज्य में पाए जाते हैं। जमीन के अंदर भी बड़े पैमाने खनिज संपदा और जमीन के ऊपर में भी जल जंगल जमीन का एक बहुत बड़ा कहेंगे कि लगभग झाड़ झंखड़ को भी मिला ले तो 50% जमीन घिरा हुआ है। और आप अलग राज होने के बाद थोड़ी सी यहां जनसंख्या बढ़ी, कई लोग बाहर से आकर के भी यहां पर अपना गुजर बसर लोगों ने करना शुरू किया, नहीं तो बहुत छोटा संख्या यहां पर मूलवासी आदिवासियों का हुआ करता था। उसके बावजूद भी यहां पर बोकारो स्टील प्लांट जैसा उद्योग लगा, यहां HSC जैसा उद्योग लगा, यहां टाटा स्टील जैसा उद्योग लगा, यहां कोल इंडिया जैसी बड़ी कंपनियों ने काम किया और अभी कर भी रहे हैं। उसके बावजूद यहां के आम लोगों में जो पिछड़ापन रहा है वो देश में सबसे अधिक रहा है। इसके पीछे के कारण क्या है, अगर हम उस पर आगे चले तो आज चर्चा करते करते दिन बीत जाएगा, लेकिन आप पीछे की ओर देखने के बजाय आगे कैसे बेहतर हो इस पर सोचना चाहिए। गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो बदबू ही मिलेगा और जिन लोगों ने ये गंदगी फैलाई उनको भी अब सजा मिला हुआ है। हमारी सरकार बनने के बाद से दूसरे घंटे से ही सरकार को लोग गिरा रहे हैं। 4 साल हो गए सरकार को हमारे सरकार की बने हुए और ये राज अलग हुए 23 साल हो गए और 23 साल का जो मंजर रहा लोग यहां वो भी दिन लोगों ने देखा जहां लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरा और यही राज्य है जहां रिकॉर्ड समय में JPSC का एग्जाम का रिजल्ट निकालकर आज झारखंड के नौजवानों को यहां BDO CO और कलेक्टर बना करके अलग अलग जिलों में राज्य के सेवा में लगाने का भी काम किया।
सरकार की नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां, स्वरोजगार से अपने पैरों पर खड़ा करना सरकार का मुख्य उद्देश्यों में से एक। हमारा 80% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक खेतीबाड़ी में लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इसको लेकर हम लोगों ने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं, वो आप सबको मालूम है, और नहीं मालूम है तो अभी पुनः आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, आपके दरवाजे पे जा रही है, वहां आप पता कर लें। 23 सालों के अंदर, अभी जो वर्तमान 4 साल के अंदर जो एक परिवर्तन हम लोगों ने करने का प्रयास किया है कि आज के दिन में भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पदाधिकारी नहीं जाते थे। पदाधिकारी तो जाते ही नहीं थे, बल्कि ग्रामीण लोग भी पदाधिकारी तक नहीं आता था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आज के दिन में भी उसका ब्लॉक का वीडियो कौन है, सीओ कौन है, डीसी कौन है, एसपी कौन है, नहीं मालूम। यहां तक कि उसका मुखिया कौन है, उसका एमएलए कौन है, उसका एमपी कौन है, यह भी नहीं जानता। इतना पिछड़ापन किसी भी राज के लिए एक अभिशाप के बराबर है। इसीलिए हमने यह सुनिश्चित किया कि सरकार अब राज के विकास से कोसों दूर, जहां सरकार की ना योजना जाती है, ना आवाजें जाती है, ना सरकार का कोई नुमाइंदा जाता है, अब उसके दरवाजे में भी सरकार जाएगी और उसका अधिकार उसके दरवाजे में पहुंचाने का काम करेगी। और आज इसको लेकर हम लोगों ने पुनः एक बार आप लोगों ने देखा कि सरकार आपके द्वार, आपकी सरकार के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 60 लाख से अधिक गांव की समस्याओं का दरखास्त हमें प्राप्त हुआ। इसका मतलब स्पष्ट है कि ब्लॉक लेवल में लोग का पहुंचना, लोग नहीं पहुंचते हैं, अगर पहुंचते भी हैं तो उनका समस्या का समाधान नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों ने इन काम को करना प्रारंभ किया और उनकी समस्याओं का समाधान भी करना प्रारंभ किया। और पहला समाधान के रूप में उन कैंपों के माध्यम से सबसे बड़ा, इस राज्य का सबसे बड़ा ज्वलंत विषय था कि आज इस राज्य में सर्वजन पेंशन को लागू करना। आज इस राज्य में कोई ऐसा वृद्ध व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको पेंशन नहीं मिलता है, कोई ऐसा विधवा महिला नहीं मिलेगी जिसको पेंशन नहीं मिलता, कोई ऐसा विकलांग नहीं मिलेगा जिसको पेंशन नहीं मिलता। उस कैंप का पहला परिणाम, और उसके बाद कई सारी चीजें, रोजगार के बिरसा, हरित ग्राम के योजना के माध्यम से लाखों एकड़ जमीन में बागवानी, फलदार वृक्ष लगाने की योजनाएं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के माध्यम से आप खुद स्वरोजगार कर अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं, सावित्रीबाई फूले योजना के माध्यम से लगभग 8 लाख से अधिक लड़कियों को स्कूल के राह पर और मजबूती से आगे बढ़ने की एक मजबूत कवायद हम लोगों ने शुरू किया। नहीं तो झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में 5वां 7वां 8वां क्लास पढ़ाई होता नहीं था लड़कियों का, मां बाप लोग दूल्हा ढूंढने शुरू कर देता था। अब उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, अब उन बच्चियों का और अपने बच्चों का
पूरा पढ़ाई का खर्चा अब राज्य सरकार अपने तरीके अपने कंधे पर लेगी ताकि यहां के हर बच्चे को शिक्षा मिल सके। कभी आप लोगों ने सुना था कोई आदिवासी, कोई दलित, कोई पिछड़ा का बच्चा विदेश जाके पढ़ेगा? किसी का मां बाप ये सपना देख सकता था? कोई नौजवान सपना देख सकता था? कभी नहीं देख सकता था। लेकिन आपकी सरकार ने आज के दिन में सरकार पूरे खर्चे देकर यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यक नौजवानों को विदेशों में पढ़ने के लिए भी भेज रहा है। इसलिए आप लोग, आप ही लोगों के भविष्य की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने स्थानीय स्तर पर जितने भी उद्योग लगेंगे उन सभी उद्योगों में 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति होगी, ये उन कंपनियों को गारंटी देना होगा, तभी वो कंपनी लगेगी। नहीं तो ऐसे नौकरी भी मांगने से ये कंपनियां भी नहीं देती है। आज श्रम विभाग जो बिल्कुल ही इस राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता था, वो एक डिफेंस पड़ा हुआ था। अभी निरंतर आपने देखा ही कि हम लोगों ने अलग अलग माध्यमों से हजारों नियुक्तियां दी, लगभग 50,000 से अधिक निजी क्षेत्र में और 10,000 से अधिक सरकारी नौकरी हम लोगों ने दे दिया। और तो और, जो यहां पर हमेशा क्वेश्चन पेपर लीक होता था, लोग कोर्ट कचहरी करते रहते थे, चोरी चकारी करते थे नौकरियों में, उन सब पे काबू पाने के लिए हम लोगों ने पेपर लीक कानून को रोकने के लिए कानून भी बनाया, और इतना कानून, कड़ा कानून बनाया कि अगर कोई पेपर लीक करेगा तो इस तरीके से जेल जाएगा कि दोबारा वो नौकरी के लायक नहीं बचेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कई सारे चीजें की है जो आप दिखता है, लोगों के चेहरों में दिखता है। और हम यही चाहते हैं, हम अपना प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं यहाँ के लोगों के, यहाँ के नौजवानों के, यहाँ के किसानों के, यहाँ के महिलाओं के चेहरे पे मुस्कान हो। आज जिस तरीके से शहरों पे भी आप देखेंगे, रांची शहर में अलग अलग जगहों पर कितने बड़े पैमाने पे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और कितनी तेजी से काम चल रहा है। क्या 23 साल पहले कभी आप लोगों ने ये ऐसी स्थिति यहां पर देखी? आज मुझे लगता है कि विगत वर्षों में सरकार यहां आई गई, लेकिन राज्य के प्रति उनकी संवेदनाएं बिल्कुल शून्य रही। आज किसानों को लेकर, नौजवानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर, शिक्षा को लेकर, उनकी गुणवत्ता को लेकर आज हम लोगों ने सर्वजन पेंशन के माध्यम से 30 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन से जोड़ा। पूर्व की सरकार ने 11 लाख राशन कार्ड डिलीट किया, हम लोगों ने हरा राशन कार्ड 20 लाख अतिरिक्त राज्य में गरीबों को बांटने का काम किया। 60 लाख से अधिक धोती साड़ी लुंगी लोगों को दिया जा रहा है। कई ऐसी चीजें, और तो और, यहां हर मुसीबत में, हर समस्या, आपके हर दुख में सरकार खड़ी रहती है। चाहे राज्य के अंदर कोई मजदूर की बात हो, कोई ग्रामीण की बात हो, कोई किसान की बात हो, चाहे राज्य के बाहर की बात हो। आप लोगों ने कल परसों ये खबर में सुना, उत्तराखंड में एक टनल बन रहा था, वहां 12-13 मजदूर हमारे अंदर जाके फंस गए। तुरंत हम लोगों ने यहां से पदाधिकारियों को रवाना किया और अभी सुरक्षित निकालने का उनको प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना में हम लोगों ने
अपने मजदूरों को। ये देश का पहला राज है जहां मजदूरों को मरने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षित उनके घरों में पहुंचाने का काम किया था। तो साथियों, यहां कई हम लोगों के स्कूल आप लोग देख रहे होंगे, नए स्कूल बन रहे हैं, 80 एक्सीलेंस स्कूल हम लोगों ने बनाया, जहां प्राइवेट स्कूल के बराबर वहां शिक्षा आप लोग को दी जाएगी। आप लोगों के जो वेलफेयर के कल्याण विभाग के हॉस्टल हुआ करते थे, वो एक बार बनने के बाद कभी दोबारा उसमें रंगाई पुताई नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। भले वो टूट के गिर जाए, खत्म हो जाए, मिट्टी बन जाए, लेकिन कभी सरकार ने उसकी शुद्धि नहीं ली। लेकिन आज कल्याण विभाग पूरे राज्य के कल्याण विभाग के हॉस्टलों को पूर्ण तरीके से जीर्णोद्धार करने के काम में लगी है, और जो कल्याण विभाग के हॉस्टलों में बच्चे पढ़ते थे, रहने के लिए वहां रहते थे और पढ़ाई करते थे, अपने अपने गांव से घर से कोई दाल लेके आता था, कोई चावल लेके आता था, कोई राशन, कोई लकड़ी लेके आता था, कोई बर्तन लेके आता था, और खुद पकाओ, खुद खाओ, और खुद पढ़ो, और खुद सारा काम करो। पढ़ाई लिखाई क्या करेगा, दिन भर उसको खाना बनाने में लगता। आने वाले समय में हम उन योजनाओं के साथ आने की तैयारी कर रहे हैं कि उन कल्याण विभाग के स्कूलों में हम लोग चौकीदार भी देंगे और वहां पर रहने वाले बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था भी करेंगे। आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई करना है। अभी आप लोगों को मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, अभी इस कैंप जो अभी सरकार आपके द्वार चलेगा उसके माध्यम से आपको ये कार्ड भी मिलेगा। आपको ये कार्ड भी मिलेगा जिससे आपको कोई बेहतर शिक्षा के लिए सरकार से सहायता राशि की आवश्यकता होगी वो सरकार अविलंब उपलब्ध कराएगी। और आपको पता ही है, माननीय मंत्री जी ने बताया कि ग्रामीण सड़कें हम लोगों की कितनी खराब हुआ करती थी। केंद्र सरकार भी अब स्थिति यह है कि जहां केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार नहीं है वहां पर थोड़ा सा सौतेलापन दिखता है। गरीबों के लिए आवास जो हमारे पास और 8 लाख 8.5 लाख गरीबों का आवास देने की बात थी वो भी हमें स्वीकृत नहीं मिली। आज इसी के लिए हम लोगों ने अपनी जिम्मेवारी पर उन छूटे हुए 8 लाख गरीब परिवारों को अब वो आवास के नाम से सरकार अपना योजना से 3 कमरे का मकान बना के देने की योजना तैयार कर रही है, जिसका आवेदन भी आपको सरकार आपके द्वार के माध्यम से लिया जाएगा। तो कई ऐसी चीजें हैं। अबुआ बीर अबुआ दिसोम योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया जिससे वन पट्टा, जहां लोग भूमिहीन है, जहां लोग वन पट्टा के अधिकार रखते हैं उनको वन पट्टा दिया जाएगा। ये भी एक हम लोगों ने सेचुरेट करने का एक निर्णय लिया है कि वन पट्टा पूरा का पूरा जितने भी राज्य में वन पट्टा के दरखास्त है उसका अविलंब निष्पादन किया जाए। तो कई ऐसी बातें जिसको अगर हम अभी भी कहें, जैसा मंत्री जी ने कहा, तो हमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि आप लोग सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए अभी हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि गवर्नर साहब जी को भी बोलना है। इन्हीं बातों के साथ यहाँ के नौजवान जिनको आज ऑफर लेटर मिला है, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अपनी बातें समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड के वीर शहीद अमर रहे। जोहार।